हाँ जी प्यारे बच्चों कैसे हैं तो काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर फिफ्थ सेमेस्टर के साथ हमें सिक्स सेमेस्टर भी भरना है मतलब कि सिक्स सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम चूज़ करना होता है तो एक बार उसकी भी बना दे तो हमारे लिए बेटर होगा और साथ के साथ काफ़ी बच्चों का ये भी था कि सर एक बार आप बुक बना दें हर सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं बुक के लिए बताता जाऊँगा आप नोट कर लीजिए या उसके लिए अलग से भी वीडियो लिया आऊँगा कि इस सब्जेक्ट्स की ये बुक बेटर है ठीक है और हमारे फ्यूचर से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और हमें किस सब्जेक्ट पे काम करना है वो सारी बातें आज इस छठे सेमेस्टर के अंदर जो हमारा बीकॉम ऑनर्स का है उसके लिए डिस्कस करेंगे तो पहली बात ये वीडियो जो है वो बीकॉम ऑनर्स के लिए है प्रोग्राम के लिए नहीं है जो बच्चे ऑनर्स के हैं सिर्फ वही बच्चे देखें उन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला है तो सर आपके कोर सब्जेक्ट होता है कोर सब्जेक्ट में है कॉर्पोरेट ऑडिटिंग गवर्नेंस जी तो अब इसमें सवाल ही नहीं होता कि इसमें से क्या चुनना है मिलना तो आपको है ही पढ़ना पड़ेगा तो जी जो है इसकी क्लासेस इजीली अवेलेबल हो जाती है और बहुत काम की चीज़ है और उसके साथ साथ देखें ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी काम आता है ऑडिटिंग क्या होता है कि हम अकाउंट्स को किस तरीके से चेक करते हैं कोई अकाउंटेंट काम कर रहा है उसके काम को कैसे वेरीफाई किया जाएगा एंड ऑवर कॉर्पोट गवर्नेंस आपकी क्या मतलब कि गवर्नेंस है किस तरीके से वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी सी जिसे बोलते हैं वो भी आएगा यहाँ पे तो ये दोनों पार्ट है सर बुक की अगर आप बात करते हैं तो बुक मार्केट में इनका इजीली अवेलेबल हो जाता है जीएसटी की ग्री सा आहूजा सर की बुक आती है और ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपका टेन ईयर से भी काम चल जाएगा और अदर भी राइटर्स के बुक्स हैं डिसिप्लिन में इसमें से कोई एक आपने चूज करना है चूज़ करना है तो सर सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का आपको इजीली बुक में मिल जाएगा और सारी चीज़ें भी रहेगा कंज्यूमर आपका कंपनसेशन कंपनसेशन मैनेजमेंट या फिर बिजनेस टैक्स या फिर आपका कंज्यूमर अफेयर्स अब मैं सबसे पहले बात बोल दूँ सिंपल सी ये वाला आपको कोचिंग भी इजीली अवेलेबल मिलेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अगेन बोल रहा हूँ जो बच्चे प्रैक्टिकल से डरते हैं वो ना लें लेकिन ये आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएगी कंपनसेशन मैनेजमेंट आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट जैसे कि इंशोरेंस रिलेटेड थोड़ा बहुत इसके अंदर वर्ड्स यूज़ होंगे इसका आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलेगा बुक भी और आपका टेन ईयर तो मिल ही जाता है बाकी चीज़ें मिलना स्टडी मटेरियल बेसिकली मिलना मुश्किल है क्योंकि मैं सिंपल सी बात जानता हूँ ना हम सब्जेक्ट तो चूज़ कर लेते हैं और इस स्टैंडर्ड का चूज़ कर लेते हैं कि मज़ा आएगा लेकिन आपको अगर उसका स्टडी मटेरियल ना दिया जाए और उसका कुछ है ही नहीं तो आप बिल्कुल एक तरीके से लाचार हो जाते हैं और उसी वजह से आपका पेपर ख़राब जा चला जाता है और आप पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं उसको ठीक है बिज़नेस टैक्स अगेन थर्ड सेमेस्टर में टैक्स पढ़ा है तो बेनिफिशियल है नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत होने वाली है कंज्यूमर अफेयर कंज्यूमर अफेयर इज़ी सब्जेक्ट है जैसे कि आप कंज्यूमर से रिलेटेड जैसे कि क्या राइट्स इश्यूज़ ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएगी तो सर मेरे से पूछा जाए तो मैं बता देता हूँ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर से बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा जिसका सारी चीज़ें अवेलेबल है और इसके लिए बुक आता है आर पी की, जो कि ज़्यादा फेमस माना जाता है डी पे अब सर हमें इसमें से क्या मिलेगा तो मैं ये मानता हूँ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट हर बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा और इसमें से क्या दे देंगे तीनों में से वो मैं भी नहीं जानता वो हर डी का हर स्टूडेंट का पोर्टल का और हर रेगुलर कॉलेज का अपने अपने स्नैरियो हैं कोई से भी सब्जेक्ट देंगे तो वो तो लेना ही लेना पड़ेगा लेकिन हाँ फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहे एस हो चाहे आपका रेगुलर कॉलेज हो दोनों ही वो देते हैं ऑप्शन ठीक है ना नहीं देंगे ऐसा बहुत रेयर होता है बाकी अगर नहीं भी मिलता है तो आप कॉलेज के अंदर रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हो इसके बाद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर ये प्योरली अकाउंट्स है अकाउंट्स के अंदर एनडीएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं उससे रिलेटेड सारी बात करी जाएगी सारे के सारे एनडीएस आएंगे बैंकिंग जिन बच्चों को आगे बैंकिंग में जाना है बैंकिंग लाइन में जाना है अब दो तरीके की बैंकिंग है प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंकिंग का ऑपरेशन किस तरीके से होता है ये यहाँ पे बताया जाता है जैसे कि क्या एनपीए कब हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैंक के अंदर लोन एंड एडवांस क्या होता है इंटरेस्ट कैसे होता है या फिर डिस्काउंट बिल कैसे होता है वो सारी चीज़ें हैं इसमें सर अगेन इसका कोचिंग मिलना मुश्किल है और स्टडी मटीरियल ईजिली नहीं अवेलेबल होगा मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँगा पोर्टल में देखिएगा तो सारी चीज़ें सोच समझ के लीजिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं पीपीटी वगैरह पे काम होता है वो चीज़ें यहाँ बताया जाता है तो अगेन इसका भी स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल क्योंकि डी ने देखो अभी लेटेस्ट सिलेबस निकाला है अभी तक पेपर हुआ ही नहीं तो मार्केट में चार से पाँच साल लग जाते हैं सारी चीज़ों को बनने में क्योंकि एग्जाम पैटर्न देखा जाएगा उसके हिसाब से ही तो बनेगा सारा समय इंटरनेशनल बिज़नेस इंटरनेशनली बिजनेस जैसे जाएंगे उसके बारे में है लेबर लॉ इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है इसके अंदर वर्कर को क्या वेजेस मिलेगा क्या मिलेगा अब मैं सिंपल सा दो मिनट दो मिनट के अब मैं सेकंड के अंदर कंक्लूड करता हूं बात कि ये दोनों सब्जेक्ट लेना होगा तो इसके लिए आपको बुक भी मैंने बता दिया इन सब्जेक्ट में से ये सब्जेक्ट आपको मिलता ही मिलता है इसका कोचिंग मिल जाएगा आपको सिक्स सेमेस्टर में बाकी के सब्जेक्ट्स का कुछ भरोसा नहीं है कि क्या देते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा सर इसमें से भी कोई भी आपको दे सकते हैं सर इसमें से चूज करना हो तो क्या चूज करें इसमें से चूज करना हो तो एक बार आप अगर एम करना चाहते हैं एच में एच में मैं अगेन कह रहा हूँ एम करना चाहते हैं एच में तो ये सब्जेक्ट तो ये चूज करना क्योंकि वहां पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपकी मदद करने वाला है एमबीए एचआरएम में और बाकी भी आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो आएंगे सारे सब्जेक्ट लेकिन एक जो कोर हो जाता है ना वो लेबर लॉ जिसके अंदर बोनस एक्ट पी एफ एक्ट और देखो मैं तो मानता हूँ जी सारे सब्जेक्ट अपने अपने बेहतरीन है सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लर्निंग का होगा तो हमें लर्निंग के साथ मार्क्स पे भी तो ध्यान देना है ना पास भी तो होना ही ना सिर्फ हम लर्निंग करते रह जाएं और ग्रेजुएशन छः साल लगा दे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका है ना तो इसलिए इसका स्टडी मटीरियल सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल है टेक करो और चलो इसका स्टडी मटेरियल पूछोगे एनडी कपूर आता है टी आपका एम सी कुचल आते हैं बहुत सारे राइटर्स हैं इसके जिसका इजीली मार्केट में हो जाता है तो आज की वीडियो में बस यही बताया आप कुछ बच्चों की क्वेरी है सर हमारे एग्जाम पोर्टल पे फॉर्म नहीं आ रहे हैं कब भरना है नहीं भरना है तो देखो रेगुलर वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम पोर्टल भरा भी जा चुका होगा और जो एस वाले बच्चे हैं उनका जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर एग्जाम पोर्टल खुलेगा आपका और उसी के अकॉर्डिंग पूरे साल की फ़ीस जो भी चार है पैंतीस सौ सौ वो ली जाएगी उसी टाइम पर दोनों सेमेस्टर आपसे भरवा लिया जाएगा मैंने बुक भी डिस्कस कर लिया अब कुछ बच्चों का क्वेरी आता है सर हमें ये नहीं मिला तो मिल मैंने बता दिया ये दोनों तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें ये वाला ऑप्शन मिलेगा इसमें से क्या देते हैं वो तो देखो अब कॉलेज और डी वाले के ऊपर है कि क्या वो मैथड के हिसाब से अलॉट करते हैं क्या स्टूडेंट के हिसाब से अलॉट करते हैं तो होपफुली आपको हेल्प कर रहा होगा ये वीडियो तो ये सेमेस्टर सिक्स बी ऑनर्स के लिए था आप चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करिए लाइक भी करिए शेयर्स भी करिए स्टूडेंट में और बताइए कि सर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले कई बार हम करते क्या है रियल लाइफ में कि भाई हम स्टे कम लैपटॉप पे बैठे या मोबाइल पे बैठे फटाफट टिक कर लिया एक बेचैनी सी होती है दो में से कौन सा चुक टिक करें कौन सा टिक करें एक ने सी फॉर्म खो लिया ठीक है दो में से कौन सा टिक करें और उसमें आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो फिर इधर उधर आपको धक्के खाने पड़ते हैं तो नहीं आपको ये सब्जेक्ट तो कोर है बाकी के सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं तो आप एक बार डी यू के साइड पर जाइए स्टडी मटेरियल डाउट करिए रेगुलर वाला बच्चा है तो आप एसओ एल की साइड पर स्टडी मटेरियल डाउट करिए एक बार कंटेंट देखिए क्या ये मैं पढ़ पाऊंगा ये मुझे समझ में आ रहा है कम से कम आप एक दिन तक तो ये फाइंडिंग करने में स्टडी स्ट्रैटेजिक बनाने में दीजिए उसके बाद अच्छे से फॉर्म भरिए आप सब कुछ सोच समझ के ठीक है ना तो बस इस वीडियो में यहीं तक था थैंक यू सो मच मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक जैसे मैं अनाउंसमेंट पहले ही मैं कर चुका हूँ कि आपका बी ऑनर्स का फिफ्थ सेमेस्टर का बीस तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाला है बीस तारीख से पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है एफ का प्राइस जो है आपका ऑनर्स वाले बच्चों, बच्चों का क्योंकि थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं एट डबल नाइन रुपीज़ का है सर ये प्राइस कितने का टाइम का है ये पाँच महीने का प्राइस है और जो एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होगी और साथ के साथ रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी और साथ के साथ बुक्स भी अवेलेबल होते हैं साथ के साथ पी नोट्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी वगैरह अवेलेबल होंगे सर YouTube पे क्या क्लास अब हमें नहीं पढ़ाओगे जी YouTube पे भी होगी बस फर्क इतना रहेगा कि YouTube पे लाइव क्लास नहीं होगा और एप्लीकेशन पे लाइव और आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो दूसरा फ़र्क YouTube पे टेन ईयर नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों के टेन ईयर पहले से रिकॉर्ड कर लिए हैं कॉन्सेप्ट वाइज एक एक पेज वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड किया है मैंने अच्छे से क्योंकि देखो पिछली बार आप भी जानते हो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा टफ़ आया था और कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा सोच से एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आ गया था फिर भी मैं आप सभी को ये कहूँगा कि उस टाइम पे टाइम कम था आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि टाइम कम था क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला अब जो है इसको हम जो लेके चलेंगे ना पाँच महीने तीन दिन क्लास होगी हफ्ते में और पूरे अच्छे से कराए जाएंगे और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका जो पाँचवें सेमेस्टर में उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसकी क्लासेस अप्रॉक्स 25 से स्टार्ट होने वाली है तो 20 और 25 का रखा है क्या क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी एफ़ की एफ की टाइमिंग मैंने इवनिंग का ही रखा है शाम को सात बजे लाइव क्लासेस का क्योंकि जॉब करके जो बच्चे आएंगे और जो नहीं ले पा रहे वो रिकॉर्डेड तो देख सकते हैं दूसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉर्निंग का क्लास होगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लर्न कर पाए और अच्छे से समझ पाए चाहे दिल्ली में हो चाहे आउट ऑफ दिल्ली हो कहीं भी हो तो आप सभी कनेक्ट रहिए आप लोग जब कमेंट करते हैं या फिर आपका जैसे कि मैं भी देखो मैं भी देखता हूँ बच्चों ने कमेंट किया सर हेल्पफुल मिला तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों ने कमेंट किया है तो इसका मतलब मेरे वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो मुझे और भी कुछ टॉपिक्स पे बनाने चाहिए जैसे एक बुक्स को लेके वीडियो बना दिया सर एक और भी किसी किसी जिससे आपका काम ईजिएस्ट हो पाए उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अब इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कमेंट नहीं आया या फिर कुछ नहीं आया मैंने वीडियो बना दिया रखा रह गया तो फिर मुझे क्या लगेगा सिंपल सी बात है ना कि यार ये तो कुछ हुआ नहीं तो फिर आगे क्या फर्दर स्टेप लें लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने जो कहा है जो कमिटमेंट किया है वो मैं करूँगा तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं और डिले मत करिएगा आराम करेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे भी एक दिन की क्लास एक दिन छुट्टी के हिसाब से तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच